किया है। हाँ आपने तो किया बिल्कुल बच्चे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये लास्ट के जो आते हैं बच्चे। भाई तुम जल्दी आया करो, मैं आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, अब मैं छोड़ देता तो फिर यही रहता कि सर हम लेट आए हैं, है ना, नेटवर्क इश्यू हो गया। अब तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि जूम पर नहीं होता ज्वाइन, है ना, जूम पर होता है ज्वाइन ढंग से, B2 वाले भी होते हैं। आपका भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, जो बाकी सब आ गए थे टाइम पे, कोई दिक्कत आई थी? है ना, नो ठीक है। आपको बहुत सर। अब वो वाली दिक्कत और क्लासेस में भी आने लग गई है, जी मीट वाली, केमिस्ट्री में भी आने लग गई, तो हो सकता है वो भी शिफ्ट हो, है ना। तो अब आपको पता है कैसे ज्वाइन करना है सब कुछ, तो उस चीज के बारे में टेंशन मत लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ना। मैं अभी ऑब्जेक्टिव शेयर नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिव इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि ये थोड़ा सा हमारा एक पार्ट रह गया था, राइट। हमने पढ़ लिया था डाइपोल को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो क्या होता है, पढ़ लिया था ना ये बात, सबको याद है, यस और नो? यस क्या होता था सर सर, डाइपोल को अगर यस इलेक्ट्रिक फील्ड में, सर, वो क्या हो जाता था? अलाइन जाता था वेरी गुड, कहाँ पर अलाइन हो जाता था सर? अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, अपोजिट में मतलब, मतलब जिस साइड से आ रही थी साइड को मतलब नेगेटिव चार्ज हो अपने आप जाता, को अलाइन तो करता था लेकिन किस डायरेक्शन में करता था, वो ध्यान से सोचो। जिस साइड से आती थी ना उस साइड को नेगेटिव हाँ चार्ज हो जाता। बिल्कुल, जिस तरफ क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चे बहुत बढ़िया, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी अपने आप को वहीं अलाइन कर देगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ है ना, तो ये भी कैसे अलाइन हो जाएगा, ऐसे नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती थी, सेम हो सेम, जाता। याद आ गया, याद आ गया सबको? यस यस सर, सर। यस और ये सर, अलाइन होता कैसे था, इसके ऊपर क्या ऐसा चीज लगती थी? टॉर्क, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, क्या लगता था बच्चे? टॉर्क, टॉर्क, ठीक है, हैरी, समर, टॉर्क, पायल, ये सब, बाकी सब भी जवाब दो भाई। टॉर्क लगती थी सबको पता है ना, यस सर, सर, चलो आओ अब इसी का फॉर्मूला निकालना है। हमको सबको पता है कि क्या चीज था, सब हमने कल पढ़ लिया था, एक छोटा सा फॉर्मूला था वही अभी कर लेते हैं। सर ये नेगेटिव था, एक सेकंड का काम है, नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड था इधर हॉरिजॉन्टल, मैं उसको येलो से दिखा रहा हूँ सिर्फ, ऐसा था ना, मैंने दो या तीन ही दिखाए हैं सर, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था सर। अच्छा, तो इसके ऊपर टॉर्क लगती थी सर, अब उस टॉर्क का फॉर्मूला निकालते हैं। टॉर्क का वैसे फॉर्मूला क्या होता था, मैंने बताया था कल, पीई आर आर एफ परपेंडिकुलर और एफ, है ना, यानी परपेंडिकुलर आर और एफ को सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले देखना है, मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन आर कैसा होना चाहिए एफ के, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब एक बात बताओ, आर एफ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है सर। इस केस में आर क्या होता था, जहां पर फोर्स लगती थी उसके लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये डी है आर की जगह, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, और सर चार्ज फोर्स कैसी लग रही है सर, अगर मैं रेड से ही दिखाऊं फोर्स को, तो इस डायरेक्शन में लग रही थी लेफ्ट साइड, एक तो फॉर्म उसका वैल्यू क्या थी, क्यू मल्टीप्लाई बाय, तो क्या हुई, वेरी गुड, क्या इधर भी क्या था, क्यू मल्टीप्लाई हुई, बाय, ये बिल्कुल स्ट्रेट लगेंगी, बिल्कुल कैसी लगेंगी बच्चे, स्ट्रेट ऐसे, स्ट्रेट, ऐसे राइट। सर सर सर, क्यू अच्छा सर फोर्स की जगह तो मैं सीधा लिख दूंगा क्या, क्यूई, टॉर्क यस निकालने के लिए फोर्स की जगह तो रख सर, दिया क्यूई, आर क्या होता है परपेंडिकुलर, उसकी जगह क्या लिखूं, हाँ गुड इवनिंग राधा, गुड इवनिंग, आर की जगह क्या लिखूं, F sin थीटा। अब यहाँ पर डी है ना आर की जगह, पहली बात तो डिस्टेंस, लेकिन क्या एफ, ये जो एफ क्यू ई था और डी आपस में परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, सर प्लस क्यू के प्लस चार्ज के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, प्लस चार्ज के परपेंडिकुलर, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन कैसे होगी, अभी अगर ये एंगल मैं क्या मान लूं बच्चे, थीटा, थीटा थीटा मान लूं, अब मैं कह सकता हूँ ये डी को तो नहीं थीटा लूंगा, इस थीटा आएगा के, इस डी के दो क्या हो जाएंगे, सर, कंपोनेंट डिवाइड कंपोनेंट, वेरी गुड वेरी गुड कंपोनेंट सर, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, तो थीटा वाला होता है, मैंने बताया था कल, जो थीटा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, डी, और इसके जस्ट कॉस थीटा परपेंडिकुलर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डी साइन डी थीटा साइन थीटा। थीटा। थीटा।
जितना इंटरेक्ट करोगे ना आज का टॉपिक तभी समझ में आएगा, इसके बाद वाली बात कर रहा हूँ। डी साइन थीटा। सर सर अब बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है क्यू के, डी कोस थीटा या डी साइन थीटा? डी साइन थीटा। यही फॉर्मूला आएगा ना टॉर्क में, तो टॉर्क का फॉर्मूला ये बन गया क्या, क्यू ई डी साइन थीटा। अच्छा सर, चार्ज को अगर मैं डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देता था तो कुछ बनता था सर, क्या नाम होता था उसका? चार्ज को उसके बीच, दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता था, एक क्वांटिटी थी सर, मैं भूल गया क्या नाम था उसका, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कुछ था क्या ऐसा? टी था सर। हाँ, क्यू मल्टीप्लाई बाय टू ए, याद आया क्या बोलते थे उसको, डाइपोल मूवमेंट। क्या लिख दिया बच्चे, पी, इस इन दोनों की जगह तो लिख दिया पी, साथ में क्या है यहाँ पर, ई, और ये क्या है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, समझ में आया क्या? ये हमारी टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, मतलब पी और ई और साइन थीटा, थीटा किस किस के बीच में एंगल हो गया बता सकते हो इस फॉर्मूले को देख के? फॉर्मूले को देख के बताओ थीटा किस किस के बीच में एंगल है, सोच के बोलो, एक तो घबराया मत करो, शर्माया मत करो, पी और ई के बीच में सर, पी ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कौन सी साइड है जो येलो वाली लाइन है ना, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो येलो वाली लाइन की तरफ है ना, यही है ना सर, पी मतलब डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन क्या होती है सर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही होगी, वो तो बाद में होगी टॉर्क लगने के बाद, वैसे क्या होती है उसकी डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव ये है पॉजिटिव ये है, तो यही होगी क्या? यस सर। तो इन दोनों के बीच में एंगल ही तो है, यही तो एंगल बनाया था, क्या है ये? क्लियर है क्या? यस सर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। डन। यस सर। कल हमने परमिटिविटी के बारे में बात नहीं करी थी ना? No, sir. हमने पहले लेक्चर में बताया था हमारे कि परमिटिविटी हम तब करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर लेंगे, है ना, डिस्क्रीट चार्जेस का, तो आज वो खत्म हो ही गया लगभग, डिस्क्रीट चार्जेस तो सारे खत्म हो गए, तब उसके बारे में बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले बच्चे, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज है सर, बहुत बढ़िया से करवाएंगे अगर ढंग से इंटरेक्ट करोगे तो ही। अच्छा, और नीचे क्या है सर, फोर्सेस, परमिटिविटी से सर डिफरेंट मीडिया में फोर्स कैसे, जैसे पहले चार्ज एयर में पड़े थे, अब कहाँ रख दिए, पानी में, तो बताओ क्या फर्क हो गया फोर्स पे, फिर उस पानी वाले चार्ज को उठा, हाँ बोलो, 80 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा या कम, अभी देख कम हो जाएगा वैसे, ठीक है, और उसी को उठा के ऑयल में रख दू, उसी को उठा कर कहीं और डाल दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा इस पे, और कैसे ये क्यों होगा ये भी समझेंगे, कम ज्यादा अगर एक बार समझ लोगे ना कि क्यों होता है, रीजन समझ लोगे ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कम होगा या ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क, तो कोशिश करेंगे कि ये करने आज के आदमी क्लियर, वरना फर्स्ट थ्री तो करके छोड़ेंगे, आओ कोशिश करेंगे। परमिटिविटी फॉर्मूला पता है सबको, एफ का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला, जो बच्चा अभी बोल रहा था वो भी ठीक है, 1/4πε0 अब यहाँ पर एप्साइलन नोट क्या है, पर मिटी ऑफ इन भी बोल देते हैं कई लोग, वैसे वो बोलो तो सही रहेगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या बला है सर, परमिटिविटी है ना, आओ
सर परमिटिविटी का मतलब आप समझ लो परमिटिविटी होती है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ये चार्जेस हैं पॉजिटिव क्यों नेगेटिव क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है ना आप सबको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है ना yes, और क्या हमेशा नेगेटिव तक जाके खत्म हो जाती, नेगेटिव पर जाके खत्म हो जाएंगी क्या, या एक सिंगल चार्ज पड़ा होगा क्या उससे नहीं निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? बताया हुआ सिंगल चार्ज होता है तो कैसा होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रिवाइज निकलेगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो नेगेटिव तो है ही नहीं सिंगल चार्ज मतलब सिर्फ पॉजिटिव पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी, सिर्फ निकलेगी कहां तक जाएगी फिर, इन्फिनिटी तक, वेरी गुड कहां तक जाएगी, वेरी गुड वन चोर हरी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ऐसे नेगेटिव चार्ज है तो आएंगी लेकिन कहां से आएंगी, बेसिकली वो तो बात की बात है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब, तो परमिटिविटी का क्या फर्क है सर, परमिटिविटी मतलब कि ये पहले किसकी प्रॉपर्टी है, पहले तो ये समझो मीडियम की प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, अब प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो करेगा, इसका मतलब क्या है प्रॉपर्टी से क्या होता है, इस प्रॉपर्टी से क्या, जैसे इनर्शिया, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारी अगर रेस्ट की स्टेट है तो वो क्या कहती है मैं रेस्ट पर ही रहना चाहती हूँ, मोशन को अपोज करती है, अगर मैं मोशन में हूँ तो वो क्या कहता है मैं मोशन में ही रहना चाहता हूँ, रेस्ट को क्या करेगा अपोज करेगा स्टेट को, रेस्ट की स्टेट को, तो मतलब इस प्रॉपर्टी इनर्शिया की प्रॉपर्टी से वो अपोज कर रहा है चेंज इन स्टेट को, मतलब जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, ऐसे ही ये परमिटिविटी भी क्या है मीडियम की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करता है सर, ये भी अपोज करता है, क्या करता है Oppose. लेकिन Oppose. किसको सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ड्यू टू विच इट अपोजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू विच इट अपोजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओहो ये अपोज करता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड को, अच्छा क्या है ये चीज ध्यान सुनना, अभी जो हम परमिटिविटी मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पढ़ेंगे ये 80% होगी, लास्ट के जो 20% है ना वो कहाँ समझ में आएगा हमें, कैपेसिटर में, कहाँ पर कैपेसिटर 80% यहाँ समझ में आ जाएंगे। देखो सर परमिटिविटी ये क्या है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको क्या कर रहा है सर ये अपोज कर रहा है, चार्जेस के बीच वाले इलेक्ट्रिक फील्ड सर उसको अपोज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज हो रही है तो फोर्स क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा है उसको कम कर रहा है तो फोर्स को भी क्या कर रहा होगा कम कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, अच्छा मतलब ये फोर्स को कम कर रहा है, आओ आओ एक एक बात पता चलेगी सर इसके अंदर, सर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोज कर रहा है फोर्स को कम कर रहा है, सर एक बात बताना परमिटिविटी अभी अभी आपने बोला कि वो जो इलेक्ट वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या कोई मीडियम की मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिशन मिल रही है, तो अगर ज्यादा परमिटिविटी हुई तो अपोजिशन क्या होगी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और भी ज्यादा कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स और भी कम हो जाएगी, मतलब ज्यादा परमिटिविटी मतलब फोर्स कम, यहाँ से भी देख सकते हो वैसे पर दिखाते नहीं है यहाँ से हम ज्यादा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होती है ना एक, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, दिख रहा है यस सर, ये वैसे कांस्टेंट टर्म होती है 8.85 क्योंकि एक मीडियम पे, तो अगर ध्यान से सुनना परमिटिविटी ज्यादा अपोजिशन ज्यादा, अपोजिशन ज्यादा तो फोर्स कम, तो परमिटिविटी ज्यादा फोर्स कम, सिंपल बात, क्लियर है yes, सर। अब आओ अब एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, उसके बाद तुम मुझे आंसर दो, मैं बोल रहा हूँ वो चीज जो वैक्यूम और एयर भी मान लो साथ साथ कोई बात नहीं, दोनों में ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं मानते हम, 0.005 क्या होता है फर्क होता है इनमें, 0.005 एयर में आ जाता है, वैक्यूम में बिल्कुल जीरो होता है, हाँ मतलब थोड़ा बहुत 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 फर्क होता है, बहुत कम फर्क होता है ना पॉइंट्स में है जैसे तुम बोल रहे हो बिल्कुल, वैक्यूम और एयर को एक ही मान के चलो, इसके अंदर जो परमिटिविटी है ना ध्यान से सुनना, परमिटिविटी है वो सबसे
कम होती है, सबसे कम होती है। तो इसके अंदर जो इनके बीच अगर मैं वैक्यूम में चार्जेस लग दूं तो उस टाइम उस केस में फोर्स सबसे ज्यादा होगी। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई उसको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, अभी पता चल जाएगा। सर वैक्यूम में परमिटिविटी क्या है? सबसे कम है। ध्यान से, तभी कह रहा हूँ ध्यान से, वैक्यूम में परमिटिविटी सबसे कम है, फोर्स वैक्यूम में सबसे ज्यादा है। अच्छा अच्छा, वैक्यूम में परमिटिविटी कम है सर, फोर्स ज्यादा है, क्यों है, क्यों है ऐसा? परमिटिविटी ज्यादा हो रही है इसका मतलब उसको अपोजिशन क्या मिल रहा है फील्ड को, कम ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है? ज्यादा। वैक्यूम में परमिटिविटी कम है तो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोजिशन कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है? कम मिलेगा, कम परमिटिविटी का दूसरा नाम ही क्या है? अपोजिशन टू द एक्सटर्नल फील्ड, अपोजिशन। तो परमिटिविटी कम है, अपोजिशन भी कम है, अपोजिशन कम है तो फोर्स भी कम है। तो वैक्यूम में फोर्स, अपोजिशन कम है तो फोर्स, सॉरी फोर्स परमिटिविटी कम है तो फोर्स सबसे ज्यादा है। तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ हो सकती है दो चार्जेस के बीच में? वैक्यूम के अंदर। कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी वैक्यूम के अलावा, फोर्स कम होगी या बढ़ेगी? कम कम होगी। अब हैरी तुम बताओ, फोर्स कम होनी चाहिए थी उधर या बढ़नी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी, 80 टाइम्स कम। अब लर्न करने की जरूरत है क्या? नो सर, नो सर। अब आओ, अब इधर बात आओ। चलो सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब मैं कहता हूँ बच्चे, वैक्यूम परमिटिव, अब इसी को मैं दो तीन तरीके से समझाएंगे, देखना ध्यान से। एफ की वैल्यू आती है हमारे पास सिंपल 1/4πε0q1q2/r का स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ अभी यही फोर्स कहाँ देख रहा हूँ मैं? मीडियम में। तो एफ की ये एफ, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पर एफ नॉट डाल देता हूँ। अब मीडियम में डाल दिया तो इसको क्या बोल दिया? एफ एम। ओए गौरव भाई साहब अपना माइक ऑफ करो। हाँ हैरी, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर 80% परमिटिविटी, मतलब 80 ना परमिटिविटी बढ़ेगी। हाँ अभी वो भी बात तो करेंगे, अभी मैं वो परमिटिविटी तो फोर्स घट जाएगी, बिल्कुल फोर्स घट जाएगी, है ना? मैंने परमिटिविटी कहा था उस टाइम। हाँ बिल्कुल, फिर ठीक है। ठीक है, fm। अब fm मतलब फोर्स इन मीडियम, 1/4πε0 एप्सिलॉन एम कर दूं, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी देखो अब q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। अच्छा सर, f नॉट हो गया, fm आ गया। अब मैं इनको ना एक दोनों को डिवाइड करके देखता हूं क्या सीन बनता है। कर दो डिवाइड एक बार सर, 1/4πε से 1/4πε गया एप्सिलॉन fm क्या आ रहा है? Epsilon m upon epsilon not, यही आ रहा है ना? Yes sir, yes sir। Epsilon m और epsilon not, पहले तो इनका नामकरण करो सर। ये क्या है? Force in vacuum। ये क्या है? Force in medium। Force in medium। ये क्या है? कौन ज्यादा होगा? सोच के बोलो, पहले हम सोचेंगे सर। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी, वैक्यूम में फोर्स सबसे क्या होती है? ज्यादा। तो अपोजिशन सबसे कम। लिख लो। वैक्यूम में अपोजिशन सबसे कम,
यानी परमिटिविटी सबसे कम कम, ठीक है। तो एप्साइलन नोट छोटा होगा एप्साइलन मीडियम से, क्लियर है क्या? तो yes, इसका मतलब एफ एम भी क्या होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एफ नोट से छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा, सिंपल सी बात है भाई, यही ये बात क्लियर हो रही है ना मैथमेटिकली भी? यस सर। क्या लिख रहे हो? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ई आर बोल रहे हो ना तुम, ई आर की फॉर्म में आकाश, ठीक है, आर्यन सॉरी। तो एफ एम और एफ नोट, भाई एप्सिलॉन एम ज्यादा तो एफ एम कम, एप्सिलॉन नोट कम तो एफ नोट ज्यादा, क्लियर है ना? क्लियर है, yes, yes, मतलब और वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम, एप्सिलॉन वैक्यूम में सबसे कम। चलो इसी को दूसरे तरीके से करते हैं सर, अभी ये तो बात पहले ही बता गए थे, अब क्यों करवाइए? देखो ना, एफ नोट बाय एफ एम है, ये किसके इक्वल आया? एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट, इसी को एक नया वर्ड लिखते हैं एप्सिलॉन आर। क्या बोल दिया? एप्सिलॉन आर, इस रेशियो को एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को एक चीज और बोल देते हैं डाई इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक बोल दो, ठीक है क्या? इसको के से लिखते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, इस के को ऐसा बना रहा हूँ, कूलम वाला के नहीं है ये, कूलम कांस्टेंट वाला, ये वाला के नहीं है फॉर्मूले में जो लगाया था, ये दूसरा है। क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. तो मैं सर ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये बात तो सही है सर, एफ नोट बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, सही है ना? इसको और इसको कंबाइन किया, यही लिखा है सीधा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एफ एम की वैल्यू क्या आ रही है? देखो एफ एम बाय सॉरी एफ नोट बाय एप्सिलॉन आर, बोलो एप्सिलॉन आर, क्लियर है? मतलब इसी चीज को दूसरे तरीके से देखो, मीडियम में फोर्स वैक्यूम के फोर्स से कम है कितने टाइम्स? 80 टाइम्स नहीं बोल रहा, मीडियम जरूरी थोड़ी हर बार वाटर हो, कितने टाइम्स कम आ रहा है इक्वेशन में देखो ना, कितने टाइम्स कम है? yeah. इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको दूसरे तरीके से लिखूं, एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट बाय के, क्योंकि एप्सिलॉन आर को ही क्या लिखता हूं मैं, के भी तो लिखता हूं। तो अगर ध्यान से सुनना, अगर मीडियम में फोर्स निकालनी हो, दो चार्जेस को एयर में रख रखा था या वैक्यूम में रख रखा था, बताना है कि मीडियम में इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मीडियम में पहली बात तो फोर्स घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। कितने टाइम्स होएगी? उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कम हो जाएगी, यानी वैक्यूम में फोर्स है उसको के से डिवाइड कर दो, फोर्स किस में आ जाएगी? मीडियम। क्लियर है क्या? डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करो, कुछ भी नहीं है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइड और टू द रेशियो टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम। क्लियर है? यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो, क्या आंसर आएगा? इक्वेशन बताओ, सिर्फ इक्वेशन। दो चार्जेस हैं, उनको पहले कहाँ रखा हुआ है बच्चे? कहाँ रखा हुआ है? वाटर में, एयर में। एयर में पहले कहाँ रखा हुआ है? एयर में। तो इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो इनकी जो फोर्स है वो दे रखी है एफ, यानी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, इसी को बोल दिया मैंने एफ नॉट बोल दिया। क्या बोल दिया? एफ बोल दिया। चलो एफ एफ, अब इन्हीं को क्या रख दिया मैंने सर? एयर अपॉन ई वाटर आएगा, पानी में रख दिया। हाँ, पानी में रख दिया बच्चे, यहाँ पानी में रख दिया सर, डिस्टेंस वही रखा। अब नए पानी में मतलब मीडियम में आ गई फोर्स, अब मीडियम में कितनी आएगी फोर्स बताएगा कोई मुझे? रिलेशन है अभी पढ़ा था, कितने टाइम्स घट जाएगी? बताओ एफ एम इज इक्वल टू क्या लिखू? एफ अपॉन के F नोट अपॉन एप्साइलन आर नोट
क्लियर। वोटर का इस केस में वोटर है तो वोटर का वो देगा तुम्हें 80.4 होता है, जनरली कई बार इसको 81 भी दे देते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स मीडियम में फोर्स डिक्रीज होगी बताना, 80 टाइम्स मतलब 80 में डिवाइड हो जाएगा, 81 टाइम्स डिक्रीज हो गई, समझ में आ रही है। यानी अगर वैक्यूम में रखोगे और एयर में रखोगे तो चार्जेस कौन से में रिपेल ज्यादा करेंगे, एयर में, वैक्यूम में, और उसमें कम रिपेल करेंगे, और कितना 81 टाइम्स, समझ में आ रहा है। ऐसी किसी का अलग होगा, क्लियर है। ऑयल में रख दो तो उसका अलग, क्लियर, वो गिवन होगा तुम्हें, यस सर। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, देखो ये एक फॉर्मूला था एफ नोट वाला, दूसरे वाला एफ एम को मैं ऐसे लिखता ना 1/4πε m इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यही लिखता था ना, यस सर। अब इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या, ऐसे एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0εr q1 q2 अपॉन r, बताओ क्या ये सही है या गलत? सही है सर, सही है सर। कैसे लिखा मैंने इसको, तुम्हें पता है एप्सिलॉन एन क्या होता है, सॉरी एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन एम क्या आ जाएगा यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय नॉट, यही फॉर्मूला हो गया, बस एप्सिलॉन एम की वैल्यू। इसी को दूसरे तरीके से क्या लिखूं, एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख दूं, एक और नाम था ना इसका सर, सर के, तो के लिख दो, समझ में आ रहा है क्या, यस सर। ये कूलम्ब कांस्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है ये, yes, हाँ ये अलग है, क्लियर है क्या, क्लियर। ये सारी चीजों को एक ही हिसाब में बता दिया, सबसे हर दूसरी चीज डिराइव हो जाती है, तुम इस इक्वेशन को याद करके चलोगे तो भी सब कुछ डराइव हो जाएगा, इस इक्वेशन को डराइव करोगे तब भी सब कुछ डराइव हो जाएगा, वैल्यू पुट करनी है तुम्हें, डन है, यस सर। कोई किसी को कुछ भी शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, किसी को कुछ? नो सर, चलें आगे, यस सर। चल ये हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, परमिटिविटी बता देते हो, पर रिलेटिव परमिटिविटी बता दोगे अब फर्क? सर इस k की वैल्यू अलग-अलग होगी वैक्यूम और एयर में? हाँ अभी बताइए, वैक्यूम और एयर में लगभग सेम मानो, लेकिन बाकी जगह अलग होगी, वाटर में जैसे इसका क्या वैल्यू होगी, होगी ना 81, k की वैल्यू कह रहे हो क्या, अच्छा यस सर, 81 वाटर में होगी, हाँ वाटर वैक्यूम में 1 होगी, क्यों 1 होगी, इसका भी रीजन है, देखो एप्साइलन आर यही है ना के, यस सर, इसको क्या लिखा था, एप्साइलन एम बाय एप्साइलन नॉट, मतलब किसी भी मीडियम का निकालना है उसके नीचे उसकी रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए मीडियम ऊपर और उसको किससे डिवाइड कर दो, वैक्यूम की परमिटिविटी से। अब मेरे को निकालनी ही वैक्यूम की है तो ऊपर भी क्या लिखूंगा, वैक्यूम की परमिटिविटी, नीचे भी किसकी आएगी, आंसर क्या आएगा, One. और यही तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एयर और वैक्यूम का क्या बोलते हो, बाकी सबका इन्हीं के कंपैरिजन में करते हो। अब K की वैल्यू 81 आई है वाटर में, इसका मतलब क्या है, एप्साइलन एम बाय एप्साइलन नॉट की वैल्यू 81 है, इसका मतलब समझ रहे हो, देखो यहाँ पे एप्साइलन एम मतलब वाटर का, एप्साइलन नॉट मतलब वैक्यूम की, 81 यानी वाटर में जो परमिटिविटी है वो 81 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, 81 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम की, परमिटिविटी ज्यादा होगी तभी तो फोर्स क्या होगी, कम। तो यानी अगर वैक्यूम में उसको जो भी अपोजिशन, वैसे तो वैक्यूम में बहुत अपोजिशन होता ही, अगर वैक्यूम में अपोजिशन मिल रहा है तो 81 टाइम्स ज्यादा अपोजिशन इसको कहां मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, वाटर में, वाटर में, क्लियर हो रही है चीजें, समझ रहे हैं तो, यस सर। अब ये ऐसा होता क्या है सर कि ये अपोज करता है, मैंने बोला ना 80% यहाँ समझ में आएगा, 80% तो समझ में आ गया सबको इसका क्या फंक्शन है, आ गया ना, वो जो 20% है, 20% का मतलब ये है कि 20% में ये बताएंगे कि ये अपोज तो कर रहा है फील्ड को एक्सटर्नल, लेकिन वो कैसे कर रहा है, समझ में आ रहा है,
इसका आंसर तुम्हें कैपेसिटेंस मिलेगा। एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर एक और फील्ड बनता है, वो फील्ड अपोज करता है ये बाहर वाले फील्ड को, जिसकी वजह से नेट फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। ये खुद का एक फील्ड बनाता है जिसकी वजह से वो अपोज करेगा और नेट फील्ड क्या हो जाएगा। अच्छा, जो खुद का फील्ड बनाएगा वो दूसरे फील्ड के अपोजिट होएगा या सेम डायरेक्शन में होएगा? अपोजिट होगा, अपोजिट होगा, तभी तो कम कर पा रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में कर देता तो क्या हो जाता, फील्ड बढ़ जाता ना, एक्सीलरेट हो जाता, बढ़ जाता। तो अब परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर लोगे पहला ऑब्जेक्टिव। कैलकुलेट द फोर्स इन डिफरेंट मीडिया विद डिफरेंट परमिटिविटी, बता दोगे क्या? यस सर। थर्ड ऑब्जेक्टिव पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या चीज है सर, ये क्या बोला है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? तुम बताओ देसी भाषा में, डेफिनेशन मत पढ़ना, अपने हिसाब से बोलो कि पोटेंशियल का मतलब क्या है। फोर्स, बताओ किसी ने कुछ बोला, कितनी फोर्स लग गई किसी पॉइंट को लाने में, इनफिनिटी से। हाँ, अगर तुमने अपने हिसाब से करा तो भी ठीक है, बट मैं नॉर्मल तरीके से पूछ रहा हूँ क्या है इसका। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में था तब, डेफिनेशन याद है। अच्छा, उसमें भी सेम था, इनफिनिटी से उसको पॉइंट पे लाए थे किसी। सर पॉसिबिलिटी कहाँ पढ़ा था तुमने ये? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, जिसमें वो एक इनफिनिटी से लाते हैं। ठीक है, मैंने वही वाली डेफिनेशन बोल दी पोटेंशियल। हाँ, बिल्कुल वैलिड होगी, क्योंकि हमने बहुत पहले ही वर्ड पहले लेक्चर में बोला था कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलता जुलता है ना, तो वैलिड होगा। यस सर, वैलिड होगा, बिल्कुल ठीक है आंसर। बट अभी हम देसी भाषा में बात करें कि पोटेंशियल का मतलब क्या है। ये आंसर बिल्कुल सही है जो हैरी ने बोला था क्या अभी? यस सर, हैरी। ठीक है, आंसर सही है बिल्कुल। अभी हम बात करते हैं वैसे नॉर्मल, बाकी सब बताओ कि पोटेंशियल का मतलब क्या समझते हो। हैरी भी बता सकते हो, पोटेंशियल का मतलब तुम वैसे क्या समझते हो, बोलते हो ना किसी चीज की पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी प्रो तो प्रोबेबिलिटी हो गई है ना, मतलब तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है। मैं बोल रहा हूँ हैरी में बहुत पोटेंशियल है, खुद को बदलने की, मतलब बोलते हैं ना इनमें बहुत, अनिकेत में, हैरी में, लावण्या में बहुत पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब काम करने की क्षमता है, क्षमता है, क्षमता ज्यादा है भाई। तुम पोटेंशियल रैंक करो, मतलब तुम अच्छे रैंक ला सकते हो, तुम्हारे में वो कैपेबिलिटी है। क्या है, कैपेबिलिटी है, तुम काम बढ़िया कर सकते हो, वर्क, समझ में आ रहा है, वर्क बढ़िया कर सकते हो। यस सर। हाँ सर, बस वही वही वही। देखो अब हैरी ने ग्रेविटेशन की बात करी, तो ग्रेविटेशन से ही छेड़ते हैं। वो बैटरी वाला देखा ना, बैटरी सबको ए और बी पॉइंट, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉइंट ई होता है, दूसरा पॉइंट ई होता है, बैटरी चार्ज को घुमाती है ऐसे 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 ऐसे, है ना, सर्किट में। तो वो कैसा होता है वो भी समझ में आ जाएगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा इससे। तो सर अब एक बात बताओ, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ध्यान से सुनना, ए पॉइंट और बी पॉइंट, किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को उठा कर लेके जाना, या किसी भी चीज को उठा कर लेके जाना, समझ लो किसी भी चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा कर लेके जाना, हमें कितना वर्क किया है। देखना सारी चीजें समझ में आएगी, एंड तक बने रहना। वर्क किया है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। लेकिन यह डेफिनेशन हो गई गलत, अभी पढ़ेंगे क्यों। ये पोटेंशियल नहीं होता बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस पर ही बताऊं, यहां पर बताता हूं इसको। देखो, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चीज को उठा के लेके जाने में जितना वर्क किया है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्योंकि दो पॉइंट हो गए ना इसमें, तो डिफरेंस बात करूंगा दो पॉइंट के बीच का। तो एक चीज को उठा के दूसरी जगह पर उठा के कितना वर्क किया है वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो चीज मास हो तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगर वो चीज चार्ज हो तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। पर ये उठा के क्यों लेके जाना है, जैसे हम बैटरी में चार्ज को उठा के लेके जा रहे हैं। बच्चे मेरे को लगा दो बच्चे लेफ्ट हुए हैं, या तो अगर कनेक्टिविटी इशू है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में जाएगा देख लेना, ठीक है, एंड तक बने रहना। मेरा ध्यान भटक जाता है, मैं नंबर से टाल लूं एक बारी। चलो
आओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क पोटेंशियल डिफरेंस, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। जहां पर भी समझ ना आए रोक देना। चलो नेट, सारा नेट खत्म हो जाता है क्या? ए से बी का गया। अब देखो सपोज करो भाई एक ढलान है, दिख रही है ये इतनी बड़ी स्लोप सा। yes, सर यहाँ पर मैं, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है ना, अपने हाथ, अपने हाथों में क्या लेके खड़ा है? बहुत बड़ा सा टोकरा सा, बहुत बड़ा पा वो लेके गया पत्थर, दिख रहा है इतना हैवी। पहली बात तो ऊपर चढ़ रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है या अपने आप होगा ये काम, या इसको वर्क करना पड़ेगा? अगर ऊपर से नीचे फेंक रहा होता तो वर्क करना पड़ता क्या? सर अब ऊपर बेचारे को लेके जाना पड़ेगा, तो पहली बात वो वर्क कर रहा है, तो वो जितना ज्यादा वर्क करके ऊपर पहुंचा देगा उतना ही उसका पोटेंशियल है। इस स्टोन को उठाने के लिए उसने जितना वर्क किया और उठा के ले गया उतना उसका पोटेंशियल है, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहा है सर। ठीक है सर, यही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ये एक पॉइंट ए, ये दूसरा पॉइंट बी। ए से बी उठाकर किसको उठा के लाया? इस पत्थर को उठा के लाया है, जहां से कितना उसने वर्क किया वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर? यस सर। यही काम चार्ज के केस में भी होता है सर। चार्ज को अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आ रहा हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आ रहा हूँ, तो कितना मैंने वर्क किया है उसी को बोल दूंगा ए और बी के बीच में जो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हम सर्किट में करते हो, देखो बैटरी का भी यही सीन रहता है भाई। बैटरी ताकत, बैटरी वही वर्क डन कौन करता है उस केस में? चार्ज को उठा के इधर से उधर लेके जाता है, कौन लेके जा रहा होगा? बैटरी। ठीक है, एक तो तुम ऊपर लेके जा रहे हो उठा के, और रास्ते में और खड्डे मिल जाएं, लोग मिल जाएं जो तुम्हें धक्का देने की कोशिश कर रहे हो या रोकने की कोशिश कर रहे हो, ये कौन होगा, क्या काम करेगा यहाँ पर? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है, कुछ एनर्जी ये खाएगा कुछ एनर्जी ये खाएगा, ऐसे यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना रेजिस्टेंस में, याद है? yes, तो ये वही सीन होता है। बैटरी वर्क कर रही होती है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बैटरी वर्क कर रही होती है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर यहाँ पर भी क्या है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आओ, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के लेके गया मैं, तो मैंने जो वर्क किया उसको बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस किस दो के बीच का आ जाएगा? ए और बी का, इसलिए डिफरेंस बोला ना। फिजिक्स में तुमने सबसे सुना होगा, जो भी फिजिक्स की बात करता होगा ना तो सब बोलेंगे वो आपको, किसी से भी पूछना, पोटेंशियल जैसी कोई टर्म नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो एक्चुअल में होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो भी करेंगे सर। बी और ए, तो ए और बी के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कैसे निकालूंगा, आप ध्यान से सुनना। क्या डिफरेंस है? फाइन पोटेंशियल डिफरेंस निकालू तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल का डिफरेंस इनिशियल है ना। और ये किसके इक्वल आता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। किसको उठा के लेके जाना गया? ये हो गया हमारे पास, दिख रहा है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला बच्चे? फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कोई डाउट? यस। वीपी माइनस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अच्छा 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 सर, बस आधे से ज्यादा पॉइंट खत्म हो गया। अब इसी से बात करेंगे पोटेंशियल की। किसकी? पोटेंशियल। चलो पहले तो इसको पक्का करने के लिए ना हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। करो, मैंने कहा था पोटेंशियल से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, आज के बाद हम क्वेश्चंस बहुत करेंगे, पहले आज की शुरुआत कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन आया उसको करो। क्या बोल रहा है? एक पॉइंट ए पर पोटेंशियल है कितना? 20 वोल्ट। दूसरे पर कितना है? -40। एक बात बताओ, इस पे जो वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी करा है, इस पे जो वर्क किया है अगेंस्ट फील्ड करूंगा, कैसे सर? इस पे भी काम अपने आप नहीं हो रहा, मेरे को करना पड़ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मेरे को, मेरे चार्ज को इधर से उधर आने नहीं दे रहा,
वो रोक रहा है, वो फील्ड किसी भी फॉर्म में हो, यहाँ पर एक सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज रख दू और मैं जो लेके आ रहा हूँ वो भी कैसा चार्ज है, तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव के पास अपने आप जाएगा क्या? लेके जाना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर किस, यहाँ पर भी फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा था, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा था, और किसके ग्रेविटेशनल फील्ड के, अर्थ। समझ में आ रही है चीजें, रिलेट कर पा रहे हो? अब सिंपल सी देसी भाषा में ए से बी जाने के लिए जितना वर्क किया वही पोटेंशियल डिफरेंस। चलो सर माइनस 20 क्यूब। अब तुम खुद देखो, ए से बी जाओगे या बी से ए लेके जाने में वर्क करना पड़ेगा या ए से बी में? ए से बी जाते हुए सोचो, ए से बी मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में वर्क करना पड़ता है या लोअर से हायर? लोअर से हायर, ऐसा भी बोल सकते हैं। माइनस 60 क्यूब। देखते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं एक बार सर, कहाँ से कहाँ लेके जाना है, जैसा इसने कहा है ना वैसे कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है, A B to B. तो फाइनल पोजीशन मेरा क्या है सर, बी, ए से चलाऊं ए पर पहुंचाऊं, ऐसा ही किया ना, मतलब बी टू ए तो मतलब यही होता है। चलो देखते हैं, बट फॉर्मूला बताओ पहले, तो फॉर्मूला बताओ अभी आ जाएगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? माइनस 60 W upon Q. जिसका जो आंसर आ रहा है अपने पास एक बार रखो ध्यान से, मेरे को चैट पर भेज दो या तो हम अभी चेक कर लेंगे किसका आंसर ठीक है, ठीक है, हम साथ में सोल्व करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस W upon Q होता है क्या? यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू W upon Q। फाइनल कौन सा लिखूं, A का या B का, कहाँ पहुंचाऊं वो होता है, कहाँ पहुंचाऊं सर, ए पर पहुंचाऊं ना फाइनल, ए पर, तो ए पर कितना है पोटेंशियल? 20 वोल्ट। 20 माइनस इनिशियल कितना था? माइनस 40 हो गया, मतलब 20 प्लस 40 ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। डब्ल्यू निकालना है, चार्ज कौन सा है, चार्ज किस कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, क्या चार्ज होता है उसमें, -1.6 × 10⁻¹⁹, तो W का आंसर क्या आ जाएगा, 60 × 1.6 × 10⁻¹⁹, वो भी कैसा माइनस का 16 × 96, तो माइनस का 9.96 आ जाएगा क्या, × 10⁻¹⁹, यानी −9.6 × 10⁻¹⁹ कितना हो जाएगा, माइनस 18 या 920? 18 जो कि ये चीज छोटी करी है तो ये चीज बड़ी करी, बड़ी, क्लियर है क्या? यस सर। कैसे निकाला है भाई, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस पता ही था निकाल लिया, और वर्क डन निकालना था, चार्ज से मल्टीप्लाई कर, क्लियर है क्या? अब देखो देसी भाषा से भी ये हो सकता है, कई बच्चों ने क्या किया, आंसर 60 बोल दिया सीधा ही, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को डेफिनेशन को पढ़ना है अच्छे से, आंसर 60 आ जाता, लेकिन उस 60 कब आता, आंसर पढ़ो क्वेश्चन देखो, ये चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना होता है, 1। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता इसका आंसर 100% 60 आता, बट अब यूनिट पॉजिटिव है क्या चार्ज, चार्ज 1 होता है क्या इलेक्ट्रॉन का, नहीं, 1.6 × 10⁻¹⁹। हमारे अकॉर्डिंग अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, एक कूलम या एक यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है कितना, 60 जूल, और मैंने कितने को करके जाना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ वाले को, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 × 1.6 × 10⁻¹⁹, यही आ जाएगा आंसर, आ जाएगा क्या? Yes, ये हुई डेफिनेशन से चीजों को कैसे सोल्व करना है, ये हुआ मैथमेटिकल, ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, हालांकि ये फॉर्मूला डराइव तो इसी डेफिनेशन से हुआ है ना। Yes, अब मैं तुमसे देखो 100 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, अगर तुमने 20 कूलम के चार्ज को लेके जाना है 60 मतलब इसी पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो क्या करोगे, 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे,
20 माइक्रोकूलम से. अगर 40 माइक्रोकूलम को लेके जाना है तो 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 40 माइक्रोकूलम से. या तुम ऐसे सीधा लर्न कर लो, या कोई बच्चा ऐसा लर्न कर लेता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q. दोनों सेम बात ही है ना? Yes, sir. Main बात तो यही है ना, W कहाँ आएगा सर? V को Q से मल्टीप्लाई करने में. अगर Q की वैल्यू 1 है तो W और V आपस में क्या है? दोनों तो पोटेंशियल को सीधा ऐड या सबट्रैक्ट करके आंसर तभी आएगा जब चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो? 1. लेकिन इस केस में नहीं था तो हमको चार्ज की वैल्यू पुट करनी. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ऊपर से बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी के? No, sir. हाँ, हरी का सही था. 60 Q लिखा हुआ उसने, है ना? और Q की वैल्यू पुट कर दोगे आंसर तो आंसर आ जाएगा, है ना बच्चे? लगा दिया था Q का ना, वो Q ठीक है आंसर, ठीक है. माइनस 60 Q, Q की जगह सिर्फ क्या पुट करना है? 1.6 into 10 to power minus 19. डन, चले आगे. Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस तो मेरे को समझ में आ गया क्या चीज है. अब बात करते हैं पोटेंशियल की. जिसको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया मुबारक हो, पोटेंशियल की कोई बड़ी बात है. सर ए से बी लेके गया तो इक्वेशन लिखना क्या होगा? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. अभी मैंने एक बात की कि पोटेंशियल जैसी कोई टर्म नहीं होती. क्या टर्म होती है? पोटेंशियल डिफरेंस. अब मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस पता है बी और ए के बीच में, लेकिन मेरे को निकालना क्या है? पोटेंशियल. पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में तुम्हें क्या लगता है क्या फर्क होगा? पोटेंशियल डिफरेंस में कितने पॉइंट होंगे? मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल. पोटेंशियल मतलब एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, राइट? कैसे निकालो? या तो मेरे को, अगर मेरे को सिर्फ वीबी, मैं तुमको इक्वेशन देता हूँ कि बताओ तुमको ना वीबी निकालना है बच्चों, ठीक है? वीबी निकालना है. अब इसके दो ही केस हो सकते हैं. या तो तुम्हें वीए पता हो, है ना? या तो तुम्हें क्या पता हो? वीए पता हो. या वीए क्या हो? या तो वीए पता ही हो, या वीए को क्या आंसर, वीए का क्या आंसर हो? जीरो हो जाए. क्या हो जाए? जीरो. वीए जीरो हो जाएगा तो वीए गायब भी हो जाएगा ना. तो आंसर किसका आएगा? सिर्फ वीबी का. तो अगर मेरे को पोटेंशियल वीबी का निकालना है तो वीए को या तो पता होना चाहिए या जीरो कर दो. पता तो था ही नहीं कि पोटेंशियल जैसी कोई टर्म थी नहीं एक पॉइंट पे बता सके जो. तो हमने क्या किया, हमने वीए को क्या मान लिया? जीरो. जीरो. लेकिन अब यहाँ पर वीए नहीं लिखूंगा, अब यहाँ पर लिखूंगा वीए की जगह वी इन्फिनिटी. क्या बोल दूंगा? इन्फिनिटी. अब ये ए की बात नहीं करेगा इस टाइम, किसकी बात करेगा? इन्फिनिटी. हमने क्या किया फिजिक्स में, साइंस में, कि इन्फिनिटी पर अगर कोई चार्ज पड़ा है तो उसका पोटेंशियल क्या मान लिया? क्या मान लिया? जीरो. क्या मान लिया? जीरो. जीरो. अब इन्फिनिटी पे चाहे पोटेंशियल हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, क्या मानी जाएगी? जीरो. ये सेट कर दिया. क्यों? क्योंकि हमको पोटेंशियल निकालना था तभी निकल सकता था ना. तो हमने ये माना एक्चुअल में होता हो या ना हो किसी को कुछ नहीं आइडिया. समझ में आ रहा है? Yes, sir. बस ये मान लिया कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो. चलो सर आओ. और इसी को मैक्सिमम भी बोलते हैं. आगे पढ़ोगे इन्फिनिटी पर जीरो और वही क्या है? मैक्सिमम. चलो देखते हैं कैसे. तो बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे सर, अभी देखते हैं. सर वी बी माइनस वी इन्फिनिटी. अच्छा तो सर वी इन्फिनिटी क्या हो जाता है? अभी बात जीरो. 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 तो वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डब्ल्यू अपॉन क्यू. इस केस में, ऊपर वाले केस में क्या आ रहा था बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले में. और नीचे वाले में क्या आ रहा है? सिर्फ पोटेंशियल. इस वाले में सिर्फ पोटेंशियल आ रहा है. अब मैं इनकी डेफिनेशन बनाऊंगा. पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बनाऊंगा, पोटेंशियल की तुम बनाओ. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है बच्चे वर्क डन. पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच में क्या होता है? वर्क डन किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए. समझ में आ रहा है ना कि मैंने कितना वर्क डन किया है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, उसको बोल दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस. अगर यही कहां से कहां हो? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से किसी
जाने के लिए कितना वर्क किया है उसको सिर्फ क्या बोलूंगा? पोटेंशियल. तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क समझ में आ रहा है? यस सर. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किसी एक पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने के लिए जो वर्क डन किया वो पोटेंशियल डिफरेंस. लेकिन उसमें से एक पॉइंट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे. एक पॉइंट पर लेके जाने के लिए जितना वर्क डन किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए उसको क्या बोल दूंगा? सिर्फ पोटेंशियल. तो पढ़ो इसको. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. रीजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोज करने के लिए. तभी तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स वर्क करना पड़ रहा है या फोर्स लगानी पड़ रही है. इट इज द मिनिमम वर्क कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन. इसका बात बाद में बात करेंगे. फ्रॉम मतलब That point का मतलब बच्चों को समझ नहीं आता कि that point का मतलब क्या है. बच्चे that point का मतलब ये है, अगर मैं VB minus infinity V infinity निकाल रहा हूं तो ये किसका potential आ रहा है? कौन से point का? VB. VB का. अगर मैं VA minus V infinity कर दूं तो किसका point potential आएगा? VA. क्योंकि infinity पर तो zero ही आएगा ना, तो VA का आएगा. VC minus V infinity कर दूं तो किसका potential आएगा? VC. जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे? कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनिटी से लेके जाकर कहां पर रख दो? उस पॉइंट पर रख दो. उस पॉइंट का क्या आ जाएगा? फिर याद जल्दी कर. पोटेंशियल उस पॉइंट का क्या आ जाएगा? फटाफट कर ले. उस पॉइंट का क्या आ जाएगा? पोटेंशियल. समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? यस सर. पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से बच्चों फर्क समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर. यस सर. एक क्वेश्चन इसका कर दो फटाफट. दिख रहा है? यस सर. करो. बस दो मिनट की बात है, उसके बाद छुट्टी कर रहे हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया. सर वैसे भी आज केमिस्ट्री क्लास कैंसिल होगी. हाँ पता चला मुझे. वो मैडम को भी वही प्रॉब्लम आ रही है बच्चे, जो हमारे को आ रही थी ना मीट वाली. यस सर. स्क्रीन पोज हो रही थी तो वहां पर भी यही इशू आ रहा है. तो वर्क डन निकालो कैसे करोगे? सर करके ट्राई, आप मत करना मेरे को. हाँ हाँ बिल्कुल नहीं करना भाई. ये लो पेन रख दिया. फॉर्मूला तुम्हें पता है, सब कुछ बता दिया मैंने. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बस. सर -3.2 × 10^21 चेक करते हैं. -3.2 × 10^-21. चलो इससे पहले हम ये बता देते हैं कि फॉर्मूला बताओ, कौन सा बताओ, फॉर्मूला क्या यूज करना है. सर वर्क डन पूछा है ना और पोटेंशियल बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो बताओ पहले तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? इन्फिनिटी से लेके जा रहे हैं किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम रख दो कुछ भी तुम अपने हिसाब से. उस पॉइंट का नाम बोल दो ए. तो क्या आएगा फॉर्मूला? V infinity तो क्या होता है? जीरो. तो V A निकालना ही है. नहीं नहीं V A भी दे रखा है. कितना दे रखा है? W निकालना. डिफरेंस नहीं दे रखा. क्या दे रखा है? एक पॉइंट जहां पर पोटेंशियल इतना है, यानी किस पे पॉइंट पर पोटेंशियल दे रखा है? V A. और तुम्हें पता है वो इसने तो नहीं बोला, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर ये V है तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी इतना ही होगा, क्योंकि V इनफिनिटी तो क्या होता है? जीरो. V A की जगह क्या लिख सकता हूँ? 10^4 इज इक्वल टू. W की जगह क्या लिख दूं? निकालना है. Q की जगह 2 × 10^-1. तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्या? -2. यस सर.
क्लियर है सबको? यस सर। मैं तो क्यू की वैल्यू डाल दी थी नीचे। क्यू की वैल्यू क्या पुट करी आपने? मैंने डाला 2 into 10 raise power minus 6 ये करी into minus 1.16 into minus 1.6 क्यों डाला? अच्छा अच्छा यहाँ पर माइनस तुमने ऐसे लिख दिया बच्चे, ऐसे ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ये कब लिखते? जब क्यू की वैल्यू गिवन होती 2e, या ऐसा बोला हो जाता कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के डबल है, तब तुम जो लिखते ना तब सही आता। इसमें तो चार्ज गिवन ही है ना पहले से ही। यस सर। यस सर। क्यों लिखेंगे हम? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो क्लियर है अब? यस सर। चलो यस सर, ये था हमारे पास कैसे हम निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल। तो अब हमें ये डेरिवेशन करनी थी लेकिन अभी टाइम नहीं है, हम कल करेंगे। देखो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना अच्छे खासे? आप हमारे क्वेश्चन वाले काम स्टार्ट करो। अब देखो ये दिखानी थी तुम्हें मैंने, ये दिख रहा है सबको? देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज पहले से पड़ा है, हाई पोटेंशियल जिसको बोल रहा हूँ, लो पोटेंशियल। एक छोटा सा और पॉजिटिव चार्ज मतलब मैं लेके आ रहा हूँ, मतलब लो पोटेंशियल का मतलब ये नहीं कि छोटा पॉजिटिव चार्ज है, लो पोटेंशियल का मतलब है मेरे को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर मैं एक चार्ज लेके जा रहा हूँ, तो वर्क डन करना पड़ेगा ना खुद को। तो देखो yes, जिसको देसी भाषा में समझना है वो ऐसे समझो, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पहले से पड़ा है, उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और लेके जा रहा हूँ, तो वर्क करना पड़ रहा है या नहीं? यस yes, सर। yes, वर्क कर रही है, देख रहे हो ये कर रही है वर्क, इसको खींच के ला रही है अपने पास, ठीक है? yes, तो ये जैसे जैसे वर्क कर रही है, देखो वर्क करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, बढ़ रहा है, दिख रहा है? Yes, तो ये हो जाएगा। हालांकि ये जीरो टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू जीरो, ये क्या बोल रहा है कि अगर भाई वर्क डन मैंने क्या किया, अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने बी पॉइंट से इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लेके गया तो ये फॉर्मूला लिखता हूँ ना? यस सर। डब्ल्यू पॉइंट, अगर मैं इसको उल्टा कर दू वी इन्फिनिटी माइनस वी बी, तो यहाँ पर डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा? जीरो माइनस डब्ल्यू पॉइंट क्यू, माइनस डब्ल्यू आ जाएगा ना, बताइए सबको। yes, अगर इन्फिनिटी से बी जाने के लिए वर्क डन 16 यूनिट्स का हो रहा है, तो बी से इन्फिनिटी जाने के लिए कितना हो जाएगा? -62। क्लियर है क्या? आंसर दोनों में सेम आएगा, बस नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर साइन मिस मत करना, क्योंकि वेक्टर्स क्वांटिटी में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या तो साइन यूज कर लो या डायरेक्शन। यहाँ पर तो स्केलर है चार्ज, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अगर इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा वहां पर? नेगेटिव। और अगर प्रोटॉन गिवन है तो पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पोटेंशियल, कल का होमवर्क बता पता करके आना, पोटेंशियल क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सर स्केलर। सोच के आना कल इसके बारे में, ठीक है? सर एक साइड को आ रहा है, क्या कह रहे हो? क्योंकि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर आ रहा है ना, तो शायद वेक्टर होगी। सोच के आना कल, कल यही सोच के आना तुमने कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, क्योंकि बच्चे बहुत गलत कर देते हैं इसके अंदर आंसर। एक चीज भी अगर उल्टा कर दिया ना, अगर मान लो स्केलर हो तो तुमने वेक्टर बोल दिया, या वेक्टर हो तो तुमने स्केलर बोल दिया, सब सब बदल जाएगा सब, ठीक है? तो कल का होमवर्क समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है बच्चे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जिसको कोई डाउट है वो रुक सकता है, बाकी जाओ। हाँ हरी बोलो। सर ऐसे थोड़ा ऑफ टॉपिक है, मतलब पिछला टॉपिक है पर उससे पूछना है। बोलो बोलो। जब ऐसे एक क्वेश्चन नहीं था कि जब गुल्ली कोई सामान उठाता है तो फिर उसका वर्क डन जीरो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बच्चे। हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। मेरे कॉस 90 की वैल्यू जीरो जाती है, मतलब कैसे होता है वो? वैसे हाँ हाँ बिल्कुल, वो ऐसा होता है, एक सेकंड स्क्रीन दिख रही है? उसमें उसमें क्या होता है बच्चे, ये होता है, ये मान लो कोई कूली है, ठीक है, इसने अपने सिर पे क्या उठा रखा है, सामान उठा रखा है, डन, फ्लोर पे खड़ा है, ठीक है। अब क्या होता है, वो किसके द्वारा वर्क डन होता है, किसके द्वारा वर्क डन? सबसे पहले तो जब भी वर्क डन बोलोगे ना, पूछा करो कौन सी फोर्स के द्वारा। समझ में आ रहा है?
कौन सी फोर्स के द्वारा। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है पुली की और सामान की, जो भी आगे जा रहा है कहाँ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ रहा है। Yes. और जो फोर्स लग रही है अगर मैं mg की बात करूं, किसकी mg, mg कहाँ लगती है बच्चे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। यस सर, समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स नीचे लग रही है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ में आ रहा है। एक तो ऐसे तरीके से समझ लो, तुमने अभी बोल ही दिया था कि कोस 90 हो जाता है, वो ऐसा होता है, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स नीचे लग रहा है। दूसरा कैसे समझ सकते हो तुम, सिर्फ भी ये बात सोचो ना कि भाई बंदा आगे जा रहा है, फोर्स नीचे लग रही है, तो क्या उस बंदे को वो वाली भाई फोर्स, अगर फोर्स इधर लग रही है सपोज करो, तब डायरेक्शन या तो फोर्स की, या फोर्स इधर लग रही है, अगर एक्स में फोर्स लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में ही होगी ना, या एक्स में हो सकती है या माइनस एक्स में, मान सकता हूँ वो किसी केस में बताऊंगा। बट जब फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, तो क्या इस फोर्स का कोई रोल है डिस्प्लेसमेंट में, तुम फोर्स तो नीचे लगा रहे हो, बॉडी आगे जा रही है, तो क्या इस फोर्स ने कोई काम किया उसमें, नो सर, नहीं ना, तो एम जी ने कोई काम नहीं किया, क्लियर है, यस सर। हाँ, वो तो हमेशा पूछा करो, यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, समझ में आ रही है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो, जब भी वर्क डन पूछो तो पूछा करो पहले कौन सी फोर्स के द्वारा वर्क डन, ठीक है। यस सर, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। और किसी का कोई डाउट, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट बच्चे।